दोस्तों कैसे हैं सभी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए एक नया गेम लेके आया हूँ, स्पाइडर द अमेजिंग स्पाइडरमैन। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, गेम रियली में मेरे फ़ोन में, मेरे एंड्रॉयड में एक काम कर रहा है, और वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री। मैंने इसे बाय नहीं किया, मैंने इसे डाउनलोड किया है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा गेम प्ले दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ इसे कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और क्या क्या सेटिंग करनी है। तो स्किप मत करिए। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा गेम जो है वो रन कर रहा है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है दोस्तों इस गेम को रन करने में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। बड़ा ही सिंपल है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना कोई ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे मैं यूसी मिनी ओपन करता हूँ। और यहाँ पर आपको अपना गूगल ओपन करना है और सर्च करना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है डाउनलोड द अमेजिंग स्पाइडरमैन। ये आपको सर्च करना है डाउनलोड द अमेजिंग स्पाइडरमैन। और स्क्रॉल डाउन करते हुए चौथा लिंक जो आपको दिख रहा है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन वर्जन ऑफलाइन, इस पर क्लिक करना है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर आपको मिल जाएगा एपीके एंड डाटा। तो एपीके पे क्लिक करिए और नीचे जाइए और डाउनलोड एपीके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा है तो डाटा है, उस पर भी क्लिक करिए। और यहाँ पर जो डाउनलोड एपीके लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा फोल्डर भी डाउनलोड होने लग जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको जेड आर जी ओ डाउनलोड करना है, उसे खोलिए। वो फोल्डर जहाँ पर आपने उसे डाउनलोड करा है, अब यहाँ पर आपको 2-3 फाइल मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर आपको अपनी सबसे पहले तो इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट हियर करके कुछ सेटिंग्स करने हैं। तो स्किप मत करिएगा वीडियो को। ओके, तो यहाँ पर एक फोल्डर मिल जाए आपको। तो सबसे पहले अपनी एपीके को इंस्टॉल कर लीजिए। और इसे डन कर दीजिए। और इस फोल्डर को, गेम लॉट को यहाँ से कट करके ले जाइए अपने डिवाइस में, एंड्रॉयड फोल्डर, डाटा फोल्डर, और ऐसे पेस्ट कर दीजिए। ओके दोस्तों, और अब अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर दीजिए और अब गेम को ओपन करिए। यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं करना है फर्स्ट टाइम में। ओके, चलिए हम गेम को ऑन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइम में गेम बंद हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, इसे काट दीजिए, वापस ऑन करते हैं। ये थोड़ी देर तक ये होगा। और अब अपना इंटरनेट कनेक्शन वापस ऑन करिए, अब इसे ओपन करिए। ओके, तो गेम स्टार्ट हो जाएगा बड़ी ही अच्छी तरह से। यहाँ पर आप अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। और सिंपली अपना गेम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
गेम बंद होता है तो वापस आप वही प्रोसेस करिएगा, अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार के लिए ऑन कर दीजिएगा, बाद में आप उसे ऑफ़ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर यहाँ पर गेम हो चुका है हमारा स्टार्ट, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से स्टार्ट हुआ है। गेम में अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है अपना गेम। तो यहाँ पर बहुत ही आराम से आपका गेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 भी आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा पेड है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें उसे लाने के लिए, लेकिन तब तक के लिए आप इस गेम को मज़ा लीजिए, काफ़ी अच्छा गेम है, खेलिए और इन्जॉय करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इन मोर, तब तक के लिए बाय बाय।